हम लोग पता करेंगे इंडियन लोग रशियन लोगों के बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे बहुत दिलचस्पी है अच्छा ये पता करने में, क्योंकि मैं रशियन हूँ और मतलब मैं चाहती हूँ जानना क्या क्या लोग सोचते हैं मेरे बारे में, मतलब A few moments later. और मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशिया अरे रुको जरा, क्या रशियन रशियन अभी हम फ्लाइट में बैठे थे, यहाँ पे हमें भैया मिले। हेलो भैया। हाय भैया, आपका नाम क्या है? बर्गर खाएगा? तो हेलो गाइस, इट्स माइडी। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे एक और न्यू एपिसोड में। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा हर वीडियो हंसाने के लिए बनाया गया है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। और हाँ, वीडियो कोई सा भी पार्ट अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बॉडी है? कभी बनाई है? अब यकीन करो, बहुत पहले की बात है, मैं एक दफा बस में सफर कर रहा था, जैसे ही बस रुकी आंटी ने मुझे रखकर थप्पड़ मार दिया। अच्छा, मैंने कहा आंटी बस रुकने की वजह से धक्का लगा। आंटी करी, 8 बच्चे हैं ना, धक्के और झटके में फर्क होता है। चेतन, तुझे पता है हम लड़कियों के अंदर एक खास टैलेंट होता है, कौन हमारे बारे में कब क्या सोच रहा है हमें सब पता होता है, वो भी अच्छे से। अच्छा, फिर भी आप अपना पल्लू ठीक नहीं कर रही हो। अरे रुको जरा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रिचार्ज बढ़ गया है कि रिचार्ज कराओगे? रिचार्ज कराएंगे, रील्स फिर देखने में दिक्कत हो जाएगा, रील्स थोड़ा देखते हैं। अच्छा, बेरोजगार आदमी है ये, प्यार में क्यों हो? बहुत कलच में हो गया। अरे अरे मार क्यों दिया? बड़े खतरनाक लोग। अरे तुझे पता नहीं है मैं कितना लड़की के साथ फ्रॉड कर चुका हूँ, ठीक है? अरे कहना क्या चाहते हो? तेरे साथ भी कर चुका हूँ, ठीक है? तू चला जा। मैं ये भगवान क्या जुलूम है। इधर पे आ जा, तेरे साथ बात करनी है। वो तेरे से भी सुंदर है, ठीक है? एजुकेशन की बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है, आप लोग की बात से एग्री करोगे। आप ये देखो यार, ये बायो और मैथ्स वालों की जोड़ी अलग ही होती है। बायो वाला प्रोसेस जानता है और मैथ्स वाला एंगल। आप एक चीज बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो रिलेशनशिप के बीच में नहीं आनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए। अच्छा, एंड सर आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो रिलेशनशिप के बीच में नहीं आनी चाहिए? मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है ना? कोशिश करेंगे। अच्छा, स्पीड को आती है? मैं सब कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सरकारी स्कूल वाली आती है ना? मुझे चलाने से काम होता है। ये लोग प्रचार करते हैं गुटके का, दाने दाने में केसर खत्म। आप खाते हो गुटका? शराब पीते हो? जुआ खेलते हो? लेकिन आपके जहाँ रहते हो ना? अच्छा, बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर जुआ खेलते हैं, हाँ या ना? नहीं जी। और अभी तो रुको, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये
फर्स्ट टाइम मैंने जहाज उड़ाया 13 साल फर्स्ट टाइम तो आपके वाले साहब ने जहाज उड़ाया होगा ना जब भी तो आप 13 साल के हुए गाड़ी को साइड में लगा ना हेलमेट है ना ऐसी लपंगों की तरह घूम रहा है पेपर दिखा काम ही नहीं मिल रहा समझ में नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा बताओ बचपन में अगर पढ़ लिख लिया होता तो आज यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता तुम पढ़ी लिखी हो हाँ पढ़ी लिखी हूँ क्या फायदा तुम भी तो यहीं हमारे साथ खड़ी हो हाँ मैं यहाँ खड़ी पर तुम में और मुझे फर्क है कितना कमाती हो क्यों बोले तो कितना कमाती हो 20,000 27,000 रुपए कमाता हूँ महीने का बढ़िया काम चल जाए तो 30,000 कहीं नहीं गए अच्छा इतना काम मिल भी रहा है हवा में ही बोल रहे हो हवे में काम तो इतना है कि तुमको भी रख ले बेलदारी में यार बात देखो मेरा मुद्दा वही है मैं अपने मुद्दे पे जायज खड़ा हुआ मेरा मुल्क कमाल मुल्क मेरे मुल्क में जो कुछ होता है दुनिया में कहीं नहीं होता बाप देखो बाहर मुल्कों में पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स और हमारे मुल्क में पेरेंट्स बच्चों से क्या कहते हैं आग लगे तेरे फोन को सो जा ये देखिए कानपुर में शुरू हुई है सखी बस सेवा पिंक कलर की बस और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है टिकट भी महिला काटती है क्या बात है तो चलिए किसी सखी से बात करते हैं हैं दीदी कहाँ जा रही हैं आप अच्छा ये बताओ तुम्हें हम दोनों में से अगर चॉइस मिले तो तुम किसे चूज करोगे आज आप नहीं आज डिंपल जी को चुनेंगे हम मुझे नहीं चाहिए लड़का कितना पलटू है ना हाँ? हम दोनों इसे छोड़ देते हैं हम आपस में चलते हैं कि यार हम आपस में अच्छे नहीं लगेंगे यार कैची मिलाते हुए भाई हाँ भाई भाई मैं ब्लॉगर हूँ आपको चैलेंज देना चाहता हूँ अच्छा भाई भाई इसमें आपको 7,000 रुपए मिलेंगे मान लो आप जीत गए 7,000 रुपए तो उसका क्या करोगे भाई रसियन लाऊंगा भाई चलो रशियन तो 6,000 की हो गई 1,000 रुपए बचे हैं उसका क्या करोगे 1,000 मेरी दोस्ती बंदी मान जाएगी जरा जाके नाम चले आपका और आपके बेटे का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा है बताओ आप बताओ जब मैं मारता हूँ अल्फाबेट्स में एम सीधा क्यों और डब्ल्यू उल्टा क्यों एम सीधा ही है डब्ल्यू उल्टा ही है क्यों होता है क्यों होता है क्योंकि एम से मैन आता है और डब्ल्यू से वुमन आता है मैन का दिमाग जो है सीधा चलता है अच्छा और वुमन का दिमाग जो है तो गाइस आप देख सकते हो एक अंधा भिखारी भीख मांग रहे थे धूप में हमें ना इन जैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए पैसे उठा लिए पैसे उठा लिए पैसे थे मेरे कौन से पैसे तूने वहां से उठाए अभी अबे मैंने भी देगा भाई तूने पैसे उठाए हैं अबे तो भाई इसकी फीस ली है मैंने अबे तूने कौन सी फीस ली है मेरी तो भाई तूने देखा ये अंधा था हाँ जैसे मैंने पैसे उठाए इसकी आंखें आ गई तो आंखें ठीक करने के पैसे लिए बनाया तुमको तो हेलो गाइस वीडियो यहां तक देखने के लिए शुक्रिया और ऐसे ही मीम्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय